हेलो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नॉन डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. इस रिले को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द अर्थ लीकेज इंडक्शन टाइप रिले. या तो इसको अर्थ लीकेज इंडक्शन टाइप रिले बोला जाता है या फिर नॉन डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले बोला जाता है. जो ओवर करंट रिले होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो वो कब आपकी वर्क करती है? व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स अ सर्टेन प्रीसेट वैल्यू, देन द ओवर करंट रिले ऑपरेट्स. द इंडक्शन टाइप नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हैज अ कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू अ वाटर मीटर. जैसा वाटर मीटर का आपका कंस्ट्रक्शनल रहता है, वैसे ही आपका इस रिले का भी कंस्ट्रक्शनल फीचर होता है विद द स्लाइट मॉडिफिकेशंस. कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ में इसका उसी की तरह में सिमिलर कंस्ट्रक्शन रहता है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ अ नॉन डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. अब देखिए, इस नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले पे एक ई शेप्ड मैग्नेट होता है, ये देखिए ये, और एक यू शेप्ड मैग्नेट रहता है, ये देखिए. इसका मतलब क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ अ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, वन इज ई शेप्ड एंड अनदर वन इज यू शेप्ड मैग्नेट. द एल्यूमिनियम डिस्क इज फ्री टू रोटेट बिटवीन द टू मैग्नेट्स. दिस इज द एल्यूमिनियम डिस्क, दिस इज फ्री, दिस इज द एल्यूमिनियम डिस्क, दिस इज फ्री टू रोटेट बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स. द स्पिंडल ऑफ द डिस्क कैरीज मूविंग कॉन्टेक्ट्स एंड वेन द डिस्क रोटेट्स द मूविंग कॉन्टेक्ट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द फिक्स कॉन्टेक्ट्स विच आर इन द टर्मिनल ऑफ अ ट्रिप सॉकेट्स. सो दीज आर मूविंग कॉन्टेक्ट्स, ये आपका कनेक्ट रहती है एल्यूमिनियम डिस्क पे. जब ये आपका रोटेट करता है, मूव करता है, तो ये आपके फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ क्लोज होते हैं. जो कौन है? विच आर द टर्मिनल्स ऑफ अ ट्रिप सॉकेट्स. जो ये आपके ट्रिप सॉकेट के टर्मिनल्स हैं, दैट आर द फिक्स कॉन्टेक्ट्स, दैट आर द फिक्स कॉन्टेक्ट्स दीज. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं टू ट्रिप सर्किट, ये इसके टर्मिनल हो गया ये, और ये दूसरा वाला टर्मिनल ये. ओके, अब आप ऊपर वाले मैग्नेट पे देखेंगे तो दो वाइंडिंग्स रहती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी. जो प्राइमरी होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ सीटी. ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स है, ये कनेक्टेड है सेकेंडरी ऑफ अ सीटी. ये आपने दिखा रखी है प्राइमरी वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू द करंट टर्मिनल्स फ्रॉम सीटी. ऑन द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड द वाइंडिंग इज टैप्ड एट इंटरवल्स, द टैपिंग्स आर कनेक्टेड टू प्लग सेटिंग ब्रिज. हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पहले पढ़ चुके हैं, तो सेम पीएसएम के साथ वो कनेक्ट रहती हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स कैन बी एडजस्टेड, दस द डिजायर्ड करंट सेटिंग फॉर द रिले कैन बी ऑब्टेन्ड. तो यहाँ पे को जो आप प्लग सेटिंग ब्रिज का यूज कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग को एडजस्ट करता है, जिससे कि आप डिजायर्ड करंट सेटिंग जो रिले के लिए होती है वो आपको मिल सके. देयर आर यूजुअली 7 सेक्शंस ऑफ टैपिंग्स टू हैव द ओवर करंट रेंज फ्रॉम 50% टू 200% इन स्टेप्स ऑफ 25%. दीज वैल्यूज आर परसेंटेज ऑफ द करंट रेटिंग ऑफ द रिले. दस अ रिले करंट रेटिंग मे बी 10 एम्पियर, दैट इज इट कैन बी कनेक्टेड टू सीटी विथ सेकेंडरी करंट रेटिंग ऑफ 10 एम्पियर, बट विथ 50% सेटिंग द रिले विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एट 5 एम्पियर. तो बेसिकली जो आप करंट सेटिंग करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ PSB, that is plug setting ब्रिज. अब देखिए, ऊपर वाला का जो आपका प्राइमरी ई शेप मैग्नेट की जो प्राइमरी वाइंडिंग थी, वो तो सीटी के साथ कनेक्ट थी, जो कि किससे कनेक्टेड है? पीएसएम से, जहां पे को आप करंट सेटिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन द सेंटर लिंब ऑफ अपर मैग्नेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वाइंडिंग ऑन द लोअर मैग्नेट. अब जो ये ई शेप मैग्नेट का दूसरा वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कनेक्टेड है नीचे यू शेप मैग्नेट के साथ में, वो भी सीरीज में. दिस वाइंडिंग इज एनर्जाइज बाय द इंडक्शन फ्रॉम प्राइमरी. तो प्राइमरी में जो इंडक्शन होता है, उसी से ये एनर्जाइज होती है. By this arrangement of secondary winding, the leakage flux of upper and lower magnets are sufficiently displaced in space and time to produce a rotational torque on the aluminium disc. The control torque is provided by the spiral spring. So when the current exceeds its preset value, disc rotates and moving contacts on the spindle make connection with the trip circuit terminals.
सो आपका ट्रिप सर्किट को सिग्नल चले जाता है कि आपके सिस्टम पे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैपन हो चुकी है. एंगल थ्रू विच द डिस्क रोटेट्स इज बिटवीन 0 to 360 डिग्री. तो ओवर करंट रिलेस का क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जैसे ही आपकी करंट एक प्री डिटरमाइंड प्री सेट वैल्यू से एक्सीड कर जाती है तो आपका ओवर जो आपकी ओवर करंट रिले वो ऑपरेट करती है. इस वाले शेप में आप इस वाले रिले में आपको क्या ध्यान देना है कि आपका ई शेड मैग्नेट है, यू शेड मैग्नेट है, ये एल्यूमिनियम डिस्क दोनों पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है. रीस्ट्रेनिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस होगा, उससे आपका एक टॉर्क क्रिएट होगा और टॉर्क के मूवमेंट्स आपका एल्यूमिनियम डिस्क, दिस एल्यूमिनियम डिस्क ये मूव करेगी. अगर ये मूव करेगी तो इसके साथ अटैच्ड है मूविंग कॉन्टैक्ट, और जैसे ये मूव करेगा तो ये फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ क्लोज करेगा. तो जैसे ये क्लोज करेगा तो इसका जो एंड है, टर्मिनल्स के एंड ही आपका फिक्स कॉन्टैक्ट है, ट्रिप के एंड जो है, ट्रिप सर्किट के जो एंड है वही आपके फिक्स कॉन्टैक्ट है. तो जैसे ये क्लोज होगा आपका ट्रिप सर्किट को सिग्नल चले जाएगा कि दैट द सिस्टम इज इन डेंजर सिचुएशन. तो ये आपका सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का. इस पे मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिया है, वर्किंग पार्ट भी मैंने मेंशन कर दिया जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करा. सो दिस इज द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, और वी कैन से नॉन डायरेक्शनल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ लीकेज इंडक्शन टाइप रिले. थैंक यू.